सक्षम समारोह जन जागरण कजू जारा सज्जन इस अभियान का आज एक पहला दिन। आज तो मैंने आपके सिर पे जो शंका का भूत चढ़ गया था, गुरु के प्रति, गुरु के वादे वचनों के प्रति, आज तो मैंने शंका का भूत उतारा। सत्संग तो कल से प्रारंभ करूंगा, निर्मल सत्संग, चेतन सत्संग, रूहानी सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा। जब आप सत्संग सुनोगे, तुम्हारे दिल के पर्दे हिल जाएंगे, कानों के पर्दे खुल जाएंगे कि सत्संग किसे कहते। आज तो मैंने भूत उतारा। आज का सत्संग अपने अपने मोबाइल पर लोड कर, घर बैठे सब प्रेमियों को सुना दो। जैसे आवाज सुनेगा बागता चलाएगा, और सत्संग सुन लेगा सारी शंका खत्म हो जाएगा, उसको भी लाभ हो जाएगा। एक जीवात्मा अगर तुम्हारे सही संदेश, सही वचन सतगुरु के सुनाने में अगर जाग जाती है, शंका संदेह भूल से अलग होकर सुमरण ध्यान वचन में लग जाएगी, आपको 1,00,000 योगों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ एक जीवात्मा का शंका संदेह दूर करने का, भूल भ्रम खत्म करने का ये लाभ। ये तो घर बैठे लाभ आने से, और ये परिवार अपना ही है, दूसरा नहीं है। चलो परिवार में कोई शंका, कोई विघटन हो गया, स्वाति रोगी लालची परिवार को बिगाड़ देते अक्सर, तो हमारा आपका फर्ज क्या है? क्या परिवार की शंकाओं का समाधान नहीं किया जा सकता? अरे समाधान भी हो सकता, लेकिन सुनोगे, बैठ के करोगे तभी तो पूछोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, शक्ति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, स्वामी जी का कहना है होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जान न पाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की एक वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी निकल कछु मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के कार्यक्रम का मैं इसे विराम दिया, कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहे, और सर मौका मिलता रहेगा आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परवचन की बेला पर किए गए संकल्प वादों को तुम्हारे सबके काम तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा तीसरा और कोई काम, हमको तुमसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमें इसकी बिल्कुल जरूरत। जब से मैं आपके आया हूं, मेरा कोई नाश्ता नहीं, कोई फल फूल मेवा, कोई ईठा मीठा घी तेल तला, ये मेरा भोजन। मैं 24 घंटे में 1 सूखी रोटी, मतलब उंगली दाल उंगली सब, ये रूखा सूखा संतमती भोजन है। जब 1 ही रोटी हमें खाने हर गरीब के घर में मिल जाएगा, मैं तुम्हारा रुपए पैसे धंधा सामान लेके क्या, क्योंकि ये कपड़े आप ही देते, मैं तो पहनता नहीं, आपने दे दिए पार्टी, ये कपड़े भी आप दे दिए, 1 रोटी खाता वो भी आपकी दी, और ये गाड़ी आपकी दी हुई है, मैं तो पैदल प्रचार करने वाला
साइकिल से प्रचार करने वाला, लोगों ने कहा नहीं हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तमाम स्वार्थी रोगी लालचियों ने गुरु परिवार में विघटन पैदा कर दिया, तमाम प्रेमियों को गुरु की शरण चरण से भड़का दिया। आप जितनी जल्दी हो सके गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक गुरु वचनों की आवाज पहुंचा दी। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। ये रोटी भी आपकी खाता, कपड़े भी आपके पड़े थे, गाड़ी भी आपकी दी हुई, आपके काम में लगा, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा लेके करूंगा। मेरे ना कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी शक्ति चाहिए। जितने आप लोग खड़े हो सबकी जरूरत, जितना मेरा गुरु परिवार सबकी जरूरत है। मेरे यहाँ भेदभाव कहा, यहाँ लड़ाई झगड़े की बातें नहीं होती, यहाँ सबको मिलाने की, सच्चे रास्ते पर चलाने की, सबका कल्याण उद्धार कराने की बात की जाती है। यहाँ इस तरह की कोई बात है, मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठा। देखो एक बात का ध्यान, जो लोग साकार का प्रचार करते हैं और ये भी कहते बाबा जी चले गए, उन प्रेमियों को ये प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार गुरु के आदेश से होता और सेवा गुरु के आदेश से ली जाती। जब इन्होंने प्रचार कर दिया कि आदेश देने वाले मर गए चले गए, तो किसके आदेश से ये प्रचार करते हैं और किसके आदेश से सेवा लेते हैं, ये दोनों काम इनको नहीं करना चाहिए। और इनको एक कहना चाहिए, अगर बाबा जी चले गए तो इनको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, मान लिया जाए चले गए, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा, ये सब कहते बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अरे प्रेमियों, तुम पढ़े लिखे हो, है शब्द ये वर्तमान का और जिंदे का है, ये सब जिंदे का प्रचार करते, क्योंकि सबको मालूम कि मथुरा में पुत्र जलाए, लेकिन सेवा लेने की ये सब ब्राह्मण प्रचार करते। और आपको भी सोचना चाहिए कि सेवा जब मथुरा में आप गुरु के हाथ में पकड़ाते थे तो गुरु क्या कहते थे, तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। तो इनसे कहो क्या सेवा लेकर तुम गुरु वाला काम कर सकते हो, क्या मेरा परमार्थी भाग बढ़ा सकते हो या मेरे पाप कर्मों में माफी करा सकते हो। अभी सेवा का राज खुल जाए दो मिनट, लेकिन तुम्हें कुछ मालूम नहीं, इसीलिए बाबा जी ने समझ वो कराया। जब मथुरा जाते थे आप लाइन में दर्शन के लिए खड़े होते, तुम्हारे सिर पे हाथ रखते थे, तुम्हारी सारी चिंता शंका सब चली जाती थी। तो आप इनसे कहो अगर बाबा जी तुमको नाम पावर दे गए, अधिकार दे गए, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, अगर उसी तरह की शांति और सुकून मिलने लगेगा मैं मान लूंगा आपको उद्धार, लेकिन बगैर लक्षणों की पहचान के मत मानना। और जब लाइन में आप लाची दाना पेठा बताओ सा चीनी लेके खड़े होते, बाबा जी ऐसे स्पर्श करके प्रसाद बना देते थे, आपकी तमाम बीमारी महामारी कष्टों झगड़े झंझटों में काम आता। तो आप इनसे कहो अगर बाबा जी तुमको नाम पावर दे गए, अधिकार दे गए, जरा स्पर्श करके प्रसाद बना दीजिए, तुम्हारा बनाया वाला प्रसाद बाबा जी के बनाए प्रसाद के अनुसार अगर काम आने लगेगा, मैं उसी दिन से तुमको गुरु मान लूंगा। यह आलोचना नहीं समालोचना की जाती, ये आलोचना का दरबार नहीं है, ये निंदा का दरबार नहीं है, लेकिन सबसे कहने में कसर भी नहीं रखी जाएगी। आप कहोगे आप जानते हैं, आपने भी बताया क्यों नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका कोई नुकसान हो, ये काम मेरा नहीं। साधु से हो न कारा जानी, साधु महात्मा से कभी किसी के काम की हानि नहीं होती, क्यों? परमार्थ के कारण साधु धराशरी जो परमार्थ समाज देश धर्म हित जीवात्माओं के हित में आया है वो तुम्हारा कभी नुकसान नहीं करेगा। और यह 3 दिन में
जो लाभ आपको मिलेगा, आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई आपको लाभ नहीं दे सकता। आपको लाभ देने के लिए वो झंडा उधर मैदान में गड़ा, आप उसकी परिक्रमा कीजिए। ये सदगुरु दयाल के जगाए नाम की महिमा मर्यादा और उनके मौजूदगी का पक्का प्रमाण है। मैंने लोगों से पूछा कि भाई जिंदा काम करता कि मुर्दा, लोगों ने कहा नहीं जिंदा काम करता। तुमने कहा बाबा जी जीवित रही तो झंडे से कौन काम करा रहा, और जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे, एक बीमारी खत्म करके दिखा दे, नहीं आपको रोक के आंसू गिरा के और पश्चाताप करके इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। बाबा जी ने कहा एक दिन ये जय प्रभु परमात्मा नाम का झंडा सारे विश्व को झुका देगा, सारे विश्व को झुका देगा। आपने गुरु को एकदम झूठा कर दिया। ये सब तो आप झंडे की परिक्रमा की तीनों दिन, आजकल परसों सुबह शाम दोनों बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार। जब झंडे के पास जाओ तो ये संकल्प लो कि आज से भरपूर शाकाहारी रहूंगा, अंडे शराब मांस मछली का प्रयोग नहीं करूंगा, कोई गंदा ये मुर्दा मांस बुद्धि नाशक नशा शराब इस मनुष्य मंदिर में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है, इसलिए जीवात्मा के आगे मैं गंदगी नहीं डालूंगा, भगवान बहुत नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और दूसरे के धन और स्त्री और पति से दूर रहना और किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करना, ये परहेज है। अगर आप परहेज कर लो, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा का ये झंडा तुम्हारी सारी मुसीबत बीमारी झगड़े झंझट और कोई भूत प्रेत आपको परेशान कर रहे, आप हजारों रुपए खर्च कर चुके लाभ नहीं मिला, ये झंडा सब लेकिन जब सहकारी बनने का संकल्प लो तब ये लाभ करेगा। चलिए बगैर परहेज के डॉक्टर भी दावा नहीं करता, परहेज तो आपको करना ही पड़ेगा, ये नाम काम करेगा। ऐसे थोड़ी सारा हिंदुस्तान एकदम चकाचौंध हो रहा है, आप ये खड़े हो आप नहीं देख रहे हो, तुम्हारा ये सब इंटरनेट से सीधे सब भेजा जा रहा और सारा विश्व इसे देख रहा है। इस झंडे के लिए सब बेचारे एकदम यहाँ व्याकुल हो गए, ये कैसा वहाँ एक झंडा गाड़ कर जो डॉक्टर वैद्य की बीमारी नहीं ठीक कर पा रहा, दवा नहीं ठीक कर पा रही, वो सतगुरु दयाल के जगाए नाम की ये महिमा नाम की। कभी प्रेमी लिखा नाम लो भव सिद्ध सुखाई, करो विचार सृजन बनवाई, ऐसा जो मन में विचार करो वो कलयुग में जीवों को लाभ देने वाला आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी कष्टों को हटाने वाला वो कौन सा नाम लाभ नाम देगा, कौन सा नाम होगा, आपको ये विचार करना चाहिए। हमारे पास कोई विचार नहीं, कुछ नहीं जानता, झंडे की आप परिक्रमा करो। और दूसरा ये झंडा सतगुरु दयाल के मंच के सामने गाए, ये तुम्हारी जीवात्मा वो शरीर की रक्षा, ये जीवात्मा की रक्षा, और बिना पैसे का सब कोई ऐसा पैसा यहाँ नहीं लिया जाता, ये काम यहाँ स्वार्थ पड़ता का काम है, ये प्योर परमात्मा का रास्ता है, इसी को कहते सतगुरु का सच्चा दरबार। इन लोगों ने दरबार को कलंकित कर दिया, भीख मांग मांग कर ये सेवा दो वो सेवा दो ये सामान दो, अब तुम्हें भी नहीं समझ पाए हो कि मांगता कौन है भिखारी, देता कौन है दाता, क्या भिखारियों से कुछ उम्मीद करते तुम्हारा काम हो जाएगा। जब तुम्हें से सेवा मांग रहा, तुम्हें से पैसे मांग रहा, तुम्हें से सामान मांग रहा, तुम्हें से सम्मान मांग रहा, तो ये तुम्हें दे ही क्या सकता, क्या भिखारी में कुछ देता कि देता, इतनी छोटी बात इतने दिनों में आपने समझ ली। और एक नहीं है सब सब कमीशन एजेंट वही मेरे घर के में नहीं आएगा, जो गुरु का धन लेता प्रेमियों से, गुरु का धन तुम्हारे बस की बात नहीं, जो हजम कर लो। इसीलिए सत्संग में पहले आपको समझाया गया कि क्या कहा गया, सत्संग की कमाई के दोनों अंगूठे और भजन करो तो उबरो और नहीं तो फाड़े हाथ,
आपका नुकसान हो जाएगा। कितनी बार आपको मना किया, लेकिन ये बेचारे बहुत पुराने कमीशन एजेंट करने वाले ये मथुरा में जब जाते थे पीआईबी भंडारे ढूंढते थे, यहाँ मीटिंग की, प्रवचन भाषण किया, प्रेमियों से सेवा बटोरी और 60% उनको दे दिया और 40% अपना लेके घर आ गए। और आज भी वही काम, ये कमीशन एजेंट आज भी नहीं, वो मेरे सत्संग में नहीं आएंगे, आएंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ये है परमार्थ का रास्ता और स्वास्थ्य में लगी, ये तो बिल्कुल विरोधा भाष। प्रेमियों से आप झंडे की परिक्रमा कर सारा हिंदुस्तान एकदम तहल गया, सब हिंदुस्तान में शोर मच गया। एक अनोखा काम वहां झंडे से कराया था, आप पहले से देखिए करिए, लाभ के लिए दम मानिए और एक नया फैसला नहीं दे रहा। ये मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई खर्चा नहीं। अब ये है, ये प्रेमी मानते नहीं, मैं मना करता हूं कि हमको तुम्हारा एक रुपया भी नहीं चाहिए। ये कहते नहीं, हमारा एक रुपया, दो रुपया, दस बीस पचास सौ रुपया ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलते, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ चलो। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा नहीं, श्रद्धा मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, उसी गाड़ी में तेल डाल के हवन कर दूंगा, सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये काम आपको हो जाएगा, हो रहा है, थोड़ी इंतजारी कर लीजिए, ये सब तुम्हारे सामने करके निकाल दिया। यहां आसन स्थित प्रचार नहीं करता हूं मैं, आगे आने वाले समय की जानकारी, काम क्या करने जा रहा हूं उसकी जानकारी आपको दे। अभी आपने शोभा यात्रा देखी, मैं उन काफिलों की यादगार कराना चाहता था। और अगर कितनी बड़ी शोभा यात्रा, कितने किलोमीटर थी, पहले यह विचार कीजिए क्या पैदल 200 किलोमीटर को चल सकता है। ये दया देखिए, इसको दया कहते। और एक लाइन में मतलब, यानी गुरु के अंतर अनुशासन, गुरु की मर्यादा, गुरु की भक्ति किसे कहते हैं, वो तो आपको दिखाया गया। आधा रोड खाली, आधे में प्रशासन व्यवस्था में कोई बाधा, पुलिस कर्मचारियों की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं, और इतना बड़ा प्रसाद बटा है जो लोग देख के चकाचौंध रह गए कि हिंदुस्तान क्या विश्व में आज तक प्रसाद तो किसी ने दिया ही नहीं। प्रसाद आपको कोई नहीं देगा, बल्कि तुम प्रसाद का डिब्बा खरीद के ले जाओ, वो पुजारी अपना तुम्हारा डिब्बा रख लेगा, तुम्हारे डिब्बे में से थोड़ा वापस कर देगा, तुमको प्रसाद नहीं कोई देगा। ये भी तुम्हारे सामने एक नया नजारा है, ये सतगुरु दयाल की मेहनत और परिश्रम का जरा नजारा देखिए आप, कि हिंदुस्तान में इस तरह कोई कर सकता या कर रहा। अगर किसी नेता की रैली होती तो सारा रोड जाम हो जाता, सब बाहर जा के जा खड़े रहते, दुकानें लूट जाती, लेकिन ये अनुशासन का परिचय और प्रेम सेवा का परिचय दे दिया। कितने क्विंटल लड्डू, कितने क्विंटल केला से ये प्रसाद में बटा है, ये हिंदुस्तान का अनोखा इतिहास, न पहले किसी ने किया, न आप कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। पहले आप समझिए, और ये सब तुम्हारे लिए किया, फिर भी तुम्हारे अंदर अगर जागरण ना आवे, इसका मतलब तुम्हारे पर काल का पूरा पहरा है, जो दयाल के किसी काम को समझने नहीं दे रहा, किसी सेवा में शामिल होने नहीं दे रहा, बच्चों को सुनने के लिए आने नहीं दे रहा, ये सब सिद्ध हो रहा। ये कितनी बड़ी यात्रा थी और कितने घंटों की, जरा देखिए इसको, समझिए, पूरे हिंदुस्तान में छाप लग रही है, सब एकदम चकाचौंध, ये काम कोई नहीं करता। और जो आखिरी दिन, जो परसों आपको नजारा दिखाऊंगा, वो बिल्कुल अनोखा हिंदुस्तान, आज तक धरती पर किसी महात्मा ने काम नहीं किया।
महात्मा तो गांव में भी निमंत्रण खाने जाता और भीख मांगता, निमंत्रण धोती रोटी लगोटी दान दक्षिणा मांगता, लेकिन मैं महात्मा की परिभाषा बता दिया। वो महान आत्माएं तो देश समाज के कल्याण के लिए, जीवों के जीवात्माओं के उद्धार के लिए आती है, वो अलग है। तुम महात्मा को कहा जाते, तुमने भिखारियों को महात्मा कह दिया, कभी आपको धोखा हो गया। तो मैं आखिरी दिन नजारा दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से, और ये सब चकाचौंध, अब सब एकदम फेल, सबकी बुद्धि फेल, चाहे राजनीति का कोई नेता, चाहे मतलब कोई धर्मनीत का महात्मा, ये सबकी बुद्धि फेल। ये काम किसी नेता ने नहीं किया और महात्मा ने नहीं किया, जो मैं परसों आपको करके दिखाऊंगा। मैं भाषण स्पीच प्रचंड देने नहीं आया, मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसकी भूमिका और जो काम होगा उसकी जानकारी, जो लाभ मिलेगा उसकी जानकारी, आज समय में कैसे लाभ मिले, परेशानी कैसे जाए, उसकी जानकारी मैं देने आया। मैं भाषण स्पीच प्रचंड के लिए कहा गया, ये काम मेरा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाता। देखो मेरी कोई ऐसी इच्छा, मैं यहीं से सबको प्रणाम करता हूं, सबका दर्शन करता हूं, लेकिन कुछ प्रेमियों ने आपको भेजा है, जरा सुन के आना, देख के आना, छू के आना, असली है कि नकली है। हमने भाई असली नकली क्या होगा, यहाँ तो कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, हम कोई मिट्टी की मूर्त, कोई कागज कैलेंडर तुमने जो आप बदल दो, ये क्या मिली है। मैं बंदे बनाने का काम नहीं करता, अरे मुझे बनने की क्या जरूरत, जो मैं हूं तुम्हारे सामने बैठा हूं, बोला आपके सामने बोला, इसे बल्ले बनाने की क्या बात, जिनको तुमने बनाया और रांची और दिल्ली में भेजा वो क्या कर रहे हैं, उन बनने वालों को देखिए। अब मैं यहाँ काम से फुर्सत नहीं है, तुम यहाँ बल्ले बना, जब मैं स्वयं कहता हूं ये काल माया का देश, यहाँ से चलना है, अरे निकलना जल्दी निकलो, तुम यहाँ बनने बनाने की बात, जिसको रहना हो वो बनने की बात करो। मैं ऐसा ब्राह्मण प्रचार न करता हूँ, न करने का आदेश देता हूँ। अब ये प्रेमी है, इनको दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है, कुछ दया मिल रही, कुछ लाभ मिल रहा, क्या इनकी आस्था को मेट दे गया, जैसे लोग पत्थर में भगवान को मानते, रास्ता बना देती, अगर जल की तो तुम्हारी आस्था बन गई तो इसी में फंस के रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। अगर यही आस्था चेतन महापुरुषों की तरफ हो जाए, चेतन जगाए नाम में लग जाओ और फिर चेतन में पहुंच जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो आस्था रास्ता बता देती है, अब आपको जल की तरफ चलना की चेतन तुम्हारा काम, इसलिए ऐसा कोई भ्रमण पूछा, ये काम मेरा नहीं है। और यहाँ जो भी आया उसने काम किया, क्या राम ने अपने को भगवान कहा, कृष्ण ने कभी भगवान कहा, संतों ने कभी संत कहा, गुरु ने कभी गुरु कहा, अरे सब सेवक सेवादार होते, उनको सेवा करने का अवसर है वो सेवा करते, तुम यह बल्ले बनाने की बात करते, ऐसा यहाँ कोई भ्रमण नहीं जानते, ये हमेशा ध्यान में रखे। और हमें यह सब करने की जरूरत क्या है, जो बने रुपया पैसा लेना चाहे, गति लेना चाहे, सामान लेना चाहे, वो ये काम करेगा, यहाँ तो ऐसी कोई आबादी नहीं, न मैं कोई सेवा लेता हूँ, न कोई अध्यक्ष मंत्री बनाता हूँ, न वक्ता प्रवक्ता बनाता हूँ, कहता हूँ सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो, परिवर्तन सेवादारों से होगा, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से, इन धार्मिक धरा पर परिवर्तन कभी नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। परिवर्तन हमेशा सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से इस भारत भूमि पर परिवर्तन हुआ और होगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता, ये किसी की बस की बात, न करने की बस की बात है और न रोकने की बस, दोनों की है, दोनों तरफ का चैलेंज है। ये परिवर्तन का काम मेरा कोई नहीं कर सकता,
और मुझे इस काम से कोई रोक नहीं सकता। और आपको इस पर विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। कल का सत्संग भी था, क्योंकि धूप ज्यादा होती है आपके इधर, तो आपको उसे छाया की व्यवस्था की गई है। ये सीलिंग आपके लिए लगाई, ये आपकी सेवा है। सीलिंग ये मन सदगुरु दयाल का आप सबका है, और ये साउंड सर्विस आपके कान तक आवाज पहुंच जाए। बच्चा बच्चा उसके लिए, ये सब आपके लिए किया गया। और भंडारे आपको रोटी बना खिला, लेकिन तुम्हारा क्या फर्ज? तुम सब चीज सेवा लेके कर्जा ला दोगे? अरे तुम्हारा भी कर्तव्य, तुम्हारे जीने में खाक कम हो रहा वैसे सबका है, लेकिन रांची जिले की जिम्मेदारी है। आप सबको अपनी सेवा का कुछ न कुछ गाड़ी कमाई का अंश खत करना चाहिए, ताकि आपको इस कार्यक्रम पर लाभ मिल जाए। ये हिंदुस्तान में अभियान 6 वर्षों से चला, आप तो सब जगह नहीं जा पाएगा। आज तुम्हारे घर में, अरे जिले का मतलब तुम्हारा घर, आपको एक मौका सेवा का मिला है। और अभी अगर आप चूक गए तो भी हमेशा के लिए चूक जाओगे। तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। एक तो आप सेवा देते करते नहीं हो, जो प्रेमी तुमको देते हैं उसमें भी तुम छिपाते हो। ये पाप क्यों कमा रहे हो? इस पाप की कितनी बड़ी सजा, अगर नहीं मानोगे तुम्हारे घर में ऐसी बीमारी छोड़ दिया जाएगी, तुम्हारे घर का भी सब चला जाएगा बीमारी में, और इंसान भी खत्म हो जाएगा। बात में कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, ऐसा कोई काम मत करिए। प्रेमियों ने जो तुमको दिया उसको इसी काम कार्यक्रम में लगा दीजिए, तो लगाने का तुमको फायदा हो जाएगा। और तुमने दिया भी नहीं, उनका लगाया भी नहीं, ये चोरी छिपाओ जो करते हैं ये पाप है। इस पाप की बहुत बड़ी सजा, मैं बार बार इशारे करके कहता हूँ, और मुझे मालूम है, खोल के कह दूंगा, तुम्हारे पास इतना चावल, इतना ये है, इतना पैसा, इतनी सेवा अपने, ये आरती का, इसका उसका सब आपने, ये समझ आता। लेकिन कह दूंगा तो आप कहोगे हमारा अपमान करते, और सीधे तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। तो चलो ठीक, कुदरत को, ये कुदरत को अधिकार दे दिया जाएगा, और कुदरत समझाना जानता। एक बीमारी भेज देगी, सारा जो कुछ रखा सब चला जाए डॉक्टर के घर, और इंसान भी खत्म हो जाएगा। तब तुम्हारी समझ में आएगा कि इसका कितना बुरा परिणाम है। सेवा का मतलब नहीं समझते हो? 3 बार कहो सेवा, क्या निकलती? सेवा, 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 जिससे वो मिल जाए, मालिक मिल जाए, कर्मों की अदायगी हो जाए, पाप पुण्य जल जाए, खत्म हो जाए, तभी जीवात्मा मालिक से मिलेगी। तुम सेवाओं में चोरी करते, ये सब क्या सीखा तुम? देखे दुकानदारों, तुम भी कान खोल के सुन लो, यहाँ पर ना तो जमीन का किराया तुमसे लिया जाए, ना बिजली पानी का किराया लिया जाए, ना रोटी का पैसा, ये सब फ्री घूम रहे हैं। सही, इनको नहीं मालूम ये फ्री नहीं, तुम अध्यात्म से बिल्कुल फ्री हो जाओगे, कभी कुछ नहीं पाओगे, ये रोज लाद रहे तुम। तो कम से कम अरे सेवा कर लो कुछ, इनको उचित कीमत पर सामान दे दो, रुपए का सामान 20 आने दे दो, जो 4 आने मुनाफा लोगे उसी में तुम्हारी बरकत हो जाएगी, तुम्हारे घर में कोई बीमारी कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन ये मानते नहीं, ये सब 1 रुपए का सामान 20 रुपए, 100 रुपए तक बेचते ही नहीं। हमने यहाँ यही करने आए, इसलिए जितने लोग दुकान चला रहे हैं टाट बोरा उतार दीजिए। ये टाट तपस्या के लिए पहराया गया, व्यापार के लिए नहीं। ये सब इसीलिए पहरे कि टाट पर लोग विश्वास करेंगे, फिर हम 1 रुपए का सामान 50 रुपए देंगे इनको, लोग विश्वास कर लेंगे। टाट देखता है सतरी टोपी में, ये कपड़े आप बिल्कुल उतार दीजिए। जो व्यापार करता है व्यापार करेंगे, दुकान करता है दुकान करेंगे, क्योंकि आपको पहले भी बताया ये संतमत, इसमें जो जो इच्छा लेके आएगा, जो धन की इच्छा से आएगा वो धन लेके चला जाएगा, जो सामान की इच्छा से आएगा सामान चोरी करके चला जाएगा, जो पद और मान सम्मान की इच्छा से आएगा
वो पद सम्मान लेके चला जाएगा, लेकिन जो प्रेमी भक्ति भगवान की इच्छा से आए वो भगवान लेके चले जाएंगे। आप ये सब क्यों करते, क्यों सब करते हो? अभी तो मैं समझाता हूँ, कानून सख्त ये सारा मार्केट ही बंद, यहाँ भाई में मेले की, ये सत्संग में मेला, ये बाजारों की क्या जरूरत है, यहाँ क्या जरूरत, यहाँ दुकान की क्या जरूरत, यहाँ भंडारा सुबह नाश्ता देता, दोनों टाइम भोजन देता, दुकान क्या, केवल केवल माला और फूट और प्रसाद, इसके बाद कोई दुकान नहीं, ये सब में करते, ये सब जगह करते हैं, सब जगह, ये जानते चलो वहां तो ऐसा दरबार, न बिजली किराया, न पानी किराया, न जमीन का किराया, न रोटी का पैसा, कुछ नहीं देना, चलो वहां लूटेंगे लूटेंगे, ये नहीं सुन पा रहे हो, तुम लूट नहीं रहे हो, अपना जीवन लुटा रहे हो, ये तुम्हारा मिलेगा नहीं, इतने कर्जदार बन जाओगे, कर्जा नहीं चुका सकते, इसे टाट बोरा पढ़ना बंद कर दीजिए, अगर आपको भजन नहीं करना है, सत्संग नहीं, सेवा नहीं करना, तो इसको इसकी जरूरत आपको नहीं है, नहीं तो आगे ये भारत की जनता तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंकती, तूने क्या किया, टाट पहन के व्यापार करता रहा, बाबा जी ने क्या कहा था, मैंने टाट तपस्या के लिए बनाया, अगर तपस्या त्याग और संयम तुम्हारे बस का सच्चाई ईमानदारी चरित्रता नहीं है तो इसको उतार के रख दीजिए, इसको कलंकित मत करो, इसकी भी आपको सजा मिलेगी, इस बड़े समझदारी से काम लीजिए, ये परिवर्तन का वक्त है और इसीलिए माफी नहीं मिलेगी, माफी में कितना समय, 7 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 6-6 बरस, तुम समझते हो ये पागल है, ये बेवकूफ है, ये कुछ नहीं जानते, ये ऐसे चिल्लाते ऐसे कहते हैं, मैं अभी आपसे कहता हूँ और फिर करना शुरू कर दूंगा। अब 1979 ये होली के बाद लगेगी, अभी 18 ही है, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ, जैसे होली जली 2018 जला राख हो जाएगा और 19 शुरू हो जाएगा, मैं सारी व्यवस्था को बदल दूंगा, सारी व्यवस्था ही बदल, क्यों तुम ऐसे मानने वाले हो, नहीं समझाने से तुम समझोगे नहीं, तुम मथुरा से पुराने चोर हो, चोरी करना, चावल चुराना, आटा चुराना, तेल चुराना, दाले चुराना, पैसा चुराना तुम्हारा काम है, और यहाँ भी आके तुम्हारी, जब मैंने अभियान शुरू किया तब हिदायतनामा हुक्मनामा दिया कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी, जिसको करना हो चुपचाप वो तो उठे उठने चले जाइए, हमको जरूरत नहीं है, हमको तो एक भक्त विभीषण एक सेवक हनुमान की जरूरत, उससे काम हो जाएगा, अगर आपको करना बनना तो ठीक है, चुपचाप चले जाइए, भजन करिए, बैठ के भजन करो, आप यहाँ भीड़ लगाने बढ़ाने की जरूरत, ऐसी गंदगी की हम भीड़ नहीं लगाएंगे, गंदा बाजार लगाने से फायदा क्या, कोई लाभ नहीं, वो तो लगाए बढ़ाए वो जिसको सेवा बटोरनी हो, देखा नहीं जहाँ कार्यक्रम होता है जितने लोग आते उससे ज्यादा जोलियां फैला देती है, जाओ जब किसी साहब ने ऐसे करोगे बेचारा शर्मिंदा हो जाएगा, कुछ न कुछ डाल देगा उसे, ये सब भिखारी सब काम कर, ये पहले भी कह रहे हैं, और इन भिखारियों से तुम्हारा कोई काम होना नहीं है, इसको बराबर देख जाना चाहिए, दाता एक भिखारी सारी दुनिया, जिसने हम सब जीवात्माओं को धन का दान नाम दान दिया है, ये दान दिया नाम का, ये दाता बाकी सब लोग इनके दर के भिखारी, अगर इनके दर के भिखारी बनकर और दया की भीख मांगते रहते तो आपका काम अब तक हो गया, दया की भीख रहे हैं सब पैसे की, प्रेमियों को गुमराह करके सेवाएं करते बटोरते, इनका यही काम दूसरा कोई काम नहीं, और इनके बस का संत मंत्र है भी नहीं, बड़ा कठिन है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, तो आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाता, देखो इतने लोगों से एक बार मिला भी नहीं जाता, और कुटी में इतनी जगह नहीं, मैं वहां मिला के आपसे मिल जाता, तो ये एक लाइन की व्यवस्था बना दी गई, इसमें आप दीनता के साथ जब कोई चीज ली जाती है
तो दीनता में नम्रता नहीं। अरे जो सबसे पीछे आएगा उसकी तपस्या मान ली जाएगी, छोटी मोटी कुछ ना कुछ तपस्या किया। वैसे कलयुग में कोई तपस्या नहीं है, लेकिन यही बर्दाश्त क्षमता, भूखी प्यास की इसकी उसकी बच्चों की, यह सब तो आपको तो आप लाइन में बताओ। अभी आपने चार घंटे यह संदेश, चार घंटे कोई बोलता, कोई बोल पाएगा चार घंटे? पर ये भी देखिए आप जहां जाते हो वहां बोल, कोई बोलता इधर कहानी उधर कहानी, वही बाबा जी बारे पांच राम सुनाया और दक्षिणा ले लेके ले सबको दे दिया और समेट के चला गया, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें भी सोचना चाहिए कि जब बाजार में पैसा खर्च करते हो तो झोले से सामान भर जाता तो तसल्ली हो जाती कि भाई पैसा खर्च हुआ तो सामान मिल गया, या ये पैसा खर्च कर रहे दे रहे इनको, ये तुमको क्या दे रहे हैं, और इनके पास होता तो तुम इसे क्यों मांगते? ये तो पहली पहचान भिखारी की। देखो आपको सब ध्यान दे, जय गुरुदेव। आपके मोबाइल, आपके सत्संग को अपने अपने मोबाइल पर लोड कर सब प्रेमियों को सुना दीजिए, ये तुम्हारी बच्चों की सेवा मान ली जाएगी। कोई मेरे बच्चन तो है नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं कोई रुपए पैसे लेता मान, ये तो सदगुरु दयाल का, अगर उनके शिष्य भक्त हो तो उनकी आवाज को पहुंचा दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं तुम भी सजा के अधिकारी बनो, और यही लोग कहेंगे तुम सत्संग में गए और तुमने सुना तो हमको क्यों नहीं बताया, यही लोग आपको सिखवा सिखा कहेंगे। जब कल का सत्संग आएंगे सुनेंगे लोग तो एकदम चकर ये तब उन्हें पता चलेगा कि सत्संग किसे कहते। और परसों का नजारा जब पेश करूंगा एकदम पाक साफ हो जाएगा, सारा भूल भ्रम ही खत्म हो जाएगा। ये क्या, ये तो कोई नहीं, यहां तो सब देने का काम और बाकी सदगे लेने का काम हो रहा, यहां वहां तो लूट मची है पैसे की और यहां लाभ की लूट मची लुटाया जा रहा है, कितना अंतर है इसको देखिए आप। जय गुरुदेव। आप सबके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाओ।